बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालीग्राम गर्ग का दलित समाज की शादी में गुंडागर्दी करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज सम्यक समाज संघ ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी उसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं करने के खिलाफ सम्यक समाज संघ ने SP ऑफिस में धरना देकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि यह मामला हाई प्रोफाइल होने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो पिस्टल से दलित की शादी में फायर करने वाले आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराएं नहीं लगाई है और मांग की यदि जल्द ही सालीग्राम गर्ग की गिरफ्तारी पुलिस नहीं करती है तो फिर उनका संघ पैदल भोपाल तक जाएगा और प्रदर्शन करेगा। वहीं SP का कहना है कि पीड़ित पक्ष ने जिस तरह से बयान दिए हैं उसी तरह से मामला दर्ज किया है। यदि वायरल वीडियो की ओरिजिनल वीडियो मिलता है तो इस मामले में और धाराएं बढ़ाई जाएंगी। संवाददाता जितेंद्र रावत की रिपोर्ट। पीड़ित परिवार के साथ में हूँ और अभी भी मेरे साथ में खड़े हैं उनके जो बच्ची के पिताजी है कल्लू अहिरवार और उनके चाचा रामरत्न अहिरवार जी मेरे साथ में है। पूरा गाँव मेरे साथ में है, पूरा गांव नहीं पूरा देश हमारे साथ है। लेकिन इनके परिजनों ने इन्होंने बयान दिए थे उसमें वो कह रहे हैं वो टॉर्च लिए हुए थे, इन्होंने बयान बदले क्योंकि उनके रात में धीरज शास्त्री के कुछ गुंडे आए डराया धमकाया और वो जहाँ पढ़े लिखे हैं नहीं उन्हें जो बोला उन्हें देख दिया। मगर आपको मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को कि मीडिया ने सच्चाई दिखाई और उसका वीडियो बंदूक का बंदूक यदि अवैध भी कोई लहराता है तो अभी प्रशासन उस पर कार्रवाई करना चाहिए। यदि शादी के जो स्थान पर वो आके उसने उपद्रव किया है गाली गलौज की है जातिगत गालियां दी हैं और मीडिया ने दिखाया है अब तो इसमें पाक शुद्ध है। पुलिस फिर भी उसको बचा रही है इसलिए मजबूरन हमको यहाँ पर आना पड़ा। DGP महोदय को मैंने 21 में ज्ञापन दिया 21-2 को दिया है, उन्होंने बोला था कि हम 2 दिन में गिरफ्तारी कर लेंगे, आज 3 दिन हो गए इसलिए मजबूरी में आपके सामने यहाँ पर आने पा। किस तरीके का आश्वासन दिया आज आवेदन देने आए थे गढ़ा गांव के लोग, क्या है? छतरपुर जिले के बमीठा अंतर्गत ग्राम गढ़ा की घटना है जहां पे 11 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हवाई फायरिंग या फिर कट्टे को लहराते हुए देखा गया था। इसमें विभिन्न धाराएं जो मारपीट की थी डराने धमकाने की थी या SC ST एक्ट के तहत इसमें कायमी की गई थी। इसमें जितने भी बयान थे साक्ष्य थे वो लिए गए थे। हमारा प्रयास इसमें यही है कि जो साक्षी हैं उनके न्यायालय में भी कथन कराए जाएँ और चलानी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए। जो कट्टे चलाता हुआ वीडियो वायरल हुआ है क्या उसमें भी कार्रवाई होगी, कट्टा जब्त होगा? इसमें जो भी साक्ष्य सामने आएंगे वीडियो को पूर्णतः आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि वीडियो किसी ने प्राइमरी एविडेंस के तौर पे नहीं दिया है, सबके मोबाइलों में वो घूमा है। पर जो भी परिवार बयान देता है साक्ष्य देता है उसी के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से ये जब्त होता है कट्टा भी तो उसमें और धाराएं बढ़ा जाएंगी हवाई जो फायरिंग हो रही है। इसमें प्रथम तौर पे मैं यही बताना चाहता हूँ परिवार जो बयान देगा जैसे भी देगा उसी के हिसाब से कार्रवाई होती है। वीडियो जो आप बता रहे हैं दिखा रहे हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल कभी नहीं होता है। कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है का अर्थ है मान्य नहीं होता है। यदि किसी के पास ओरिजिनल वीडियो होगा वो उसको देगा, उसको लैब में भेजेंगे, फिर जैसे ही वो सर्टिफाइड होगा उसके बाद करेंगे। पर प्राथमिक तौर पर जो परिवार बयान देगा जिस भी हिसाब से देगा उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं कट्टा लेते हुए तो उसमें तो पुलिस ने वीडियो के आधार पर ही मामले वीडियो के आधार पर कार्रवाई नहीं होती है। वीडियो के आधार पर तस्दीक होती है फिर उसके आसपास जिन लोगों ने उसको देखा होता है उनसे पूछा जाता है, फिर जब व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया जाता है उसके द्वारा उसका खुलासा किया जाता है, उसके बाद उस वेपन की रिकवरी होती है। अब तो पीड़ित परिवार के लोग कभी भी सोशल मीडिया के वीडियो के आधार पर 25-27 या फिर आर्म्स एक्ट नहीं लगता है। जब भी FIR होती है पहले मुखबिर सूचना प्राप्त होती है उसके बाद टीम जाती है, जब वेपन की रिकवरी होती है उसके बाद FIR होती है। अब तो पीड़ित परिवार और गांव के लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ घटना हुई है और सालग्राम कट्टा लेकर आए थे फायरिंग की थी। जी इसमें वापस से मैं वही आपको रिपीट करूँगा आर्म्स एक्ट की जो कार्रवाई है अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे परिपत्र पढ़ेंगे वेपन रिकवरी के बाद या साक्ष्य और जब निष्पक्ष तौर पर आते हैं तब उसमें बढ़ाई जाती है। उसके घर में सुरक्षा की क्यों व्यवस्था होगी? परिवार को सुरक्षा राउंड दी क्लॉक दिला दी गई है और इसके अलावा कोई भी जो बाकी हैं जैसे मान लीजिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत इनको लिया जाएगा और आर्थिक सहायता जो शासन की तरफ से मिलती है उसका भी प्रस्ताव और प्रतिवेदन हम लोग बना के भेजेंगे।